अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। और भाई आज की जो वीडियो है वो थोड़ा सा मेरे टॉपिक से हट कर थोड़ा अलग वीडियो है भाई। आज जो है ना, मैंने भाई सीधी बात करनी है भाई, ये जो पाकिस्तान की गेमिंग कम्युनिटी है ना, उसके बारे में हमने थोड़ी सी बात करनी है। और भाई बहुत सारे लोग जो है ना, आप देखो आप कब से पबजी खेल रहे हैं, आपने ना कम से कम आपको 2 साल 3 साल 4 साल तो हो ही होंगे ना जब से हम पबजी खेल रहे हैं। तब से आपने क्या देखा यूट्यूब पर? आपने जो बड़े क्रिएटर देखे हैं ना, सिर्फ उन्हीं को देखा होगा। आपने जो छोटे क्रिएटर हैं ना, जो छोटे छोटे होते हैं, जो कि अपना काम भी कर होते हैं लेकिन फिर भी उनको कोई सपोर्ट नहीं होती, पता है क्यों है भाई? ये सिर्फ इसी वजह से क्योंकि जो बड़े क्रिएटर हैं ना, सारे उनकी मतलब भाई पहली बात तो सारे मतलब वो जो ना किसी को ना सपोर्ट करते हैं और वो चाहते नहीं हैं कि कोई और ऊपर आए। वो कहते हैं कि भाई जितने भी व्यूज़ हैं ना वो हमारे ही आएँ, और कोई बड़ा क्रिएटर ऊपर ना आए, मतलब छोटा क्रिएटर ऊपर ना आए, हम ही जो है ना सारे। और इंडिया में यहाँ पर आप देख लें भाई, इंडिया के जो गेमिंग कम्युनिटी और दिन ब दिन भाई आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और उसमें छोटे छोटे क्रिएटर भाई बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा व्यूज़ ले रहे हैं, क्योंकि उनका जो कंटेंट है वो मतलब भाई पब्लिक पसंद करती है, मतलब सपोर्ट करने के लायक होता है तो वो उसको सपोर्ट करते हैं। अगर किसी का गेम प्ले अच्छा है तो वो उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये हमारी पब्लिक है ना भाई, वो भाई मतलब पूछो मत यार क्या है हमारी पब्लिक को। अभी देखो पहले मैं कंटेंट डालता था, मतलब कोई पबजी मोबाइल का रेडिंग कोड आ गया या फिर पबजी मोबाइल के जो न्यू सीज़न आती थी उनका जो ना मतलब लीक्स वगैरह शेयर करता था, तो भाई वहाँ पर जो है ना लोग कमेंट करते हैं यार क्या कैसा कंटेंट बना रहे, ये कंटेंट काम का नहीं तेरा, ये कंटेंट कैसा बना रहे, कोई अच्छा कंटेंट बना। ठीक है भाई, मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं आप लोगों को कंटेंट दे रहा था और फिर भी किसी को पसंद नहीं आया, और मेरे व्यूज़ भी आ रहे थे, ऐसा नहीं है कि व्यूज़ नहीं आ रहे थे, मेरे व्यूज़ भी आ रहे थे लेकिन फिर भी मैंने कंटेंट चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि यार सारे लोग यही कमेंट कर रहे थे कि भाई ये कैसा कंटेंट डाल रहे हैं आप, कोई अच्छा कंटेंट डालो। उसके बाद भाई मुझे जो ना कंटेंट अपना चेंज करना पड़ा, और जब मैंने अपना कंटेंट चेंज कर दिया मतलब भाई मैंने ना 1v1 डालना शुरू कर दिया। ठीक है, और उसके बाद लोग क्या कहते हैं भाई ये क्या है, नूबरों के साथ खेल रहा है, ये क्या तू इसके साथ खेल, ये यूट्यूबर तेरा अबू है, ये यूट्यूबर तेरा अबू है तो उसके साथ खेल, बेटा तू नूबरों के साथ खेलता है, इस यूट्यूबर के साथ खेल। और भाई मैंने हर एक यूट्यूबर को मैसेज किया हुआ है, अब वो रिप्लाई नहीं दे रहे, वो खेल नहीं रहे, तो भाई मतलब हमें क्यों कह रहे तुम लोग? मतलब भाई देखो सारे यूट्यूबर भाई नहीं खेलते किसी के साथ, ठीक है, लेकिन अभी नहीं खेल रहे, जब व्यूज़ सही आएंगे ना फिर खेलेंगे, लेकिन अभी तो नहीं खेलेंगे अगर मेरे व्यूज़ भी होंगे, क्योंकि मैंने उनके बारे में बोल दिया है, तो अभी वो मेरे साथ मुझे पता है नहीं खेलेंगे भाई, मुझे नहीं चाहिए किसी के साथ। ठीक है भाई, मैंने सारे यूट्यूबर को मैसेज किया हुआ है, कोई मेरे साथ खेल नहीं रहा, और जब मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता हूँ, आईपैड प्लेयरों के साथ खेल रहा होता हूँ, आईफोन वालों के साथ खेल रहा होता हूँ, और फिर मुझे लोग क्या कहते हैं कि भाई अरे यार तू तो नूबड़ों के साथ खेल रहा है, अरे भाई तेरी तो कोई गेम ही नहीं है, तू खुद भाई नूबड़ों के साथ खेल रहा है। अभी भाई नूबड़े नहीं है सामने, वो भाई मेरा एक दोस्त था जिसके साथ मैंने खेला था, मिथिक फिशन है उसका अकाउंट, मैंने वो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। भाई मैं आपको लिख के देता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, अगर झूठ बोल रहा मेरा चैनल डिलीट हो जाए। ठीक है, उसने 47 खलीफा को हराया हुआ है भाई, आपका जो अबू है ना 47 खलीफा, उसको उसने हराया हुआ है, M24 में हराया हुआ है, AR में हराया हुआ है, दोनों गेमों में हराया हुआ है, उसके साथ मैंने खोला है। और लोग क्या कह रहे हैं, अरे भाई ये तो नूबड़ा है, ये 2 KD का नूबड़ा है। भाई वो KD नहीं देखते, जो अच्छे प्लेयर होते हैं ना वो KD नहीं देखते भाई, वो अपना गेम इंप्रूव करने के लिए कैसे ही चले जाते हैं। वो कहते हैं, लोग कहते हैं कि भाई तू 2 KD के नूबड़ों के साथ खेल रहा है। यार कसम से पाकिस्तान की जो गेमिंग कम्युनिटी, मुझे नहीं लग रहा कि भाई आगे बढ़ पाएगी, जो आगे बैठे हुए हैं सिर्फ वही बढ़ेंगे, छोटे क्रिएटर मुझे नहीं लगता कि भाई आगे आ पाएंगे, और अगर आ भी पाएंगे ना भाई, जो पब्लिक है ना पब्लिक, वो उनको मतलब भाई सहेगी नहीं, वो भाई वो जो है ना सिर्फ बड़े क्रिएटर को सपोर्ट करना चाहती है, बड़े क्रिएटर को अपना अबू बनाया हुआ है भाई, वाकई ये सच बात है यार, वो जो ना जो पब्लिक है ना उन्होंने बड़े क्रिएटर को अपना अबू बनाया हुआ है, और जो है ना कोई क्रिएटर छोटा ऊपर आता है वो खेलता है तो उसको कहते हैं कि भाई तू नूबड़ों के साथ खेल रहा है, लेकिन जो बड़े क्रिएटर हैं वो जो ना मतलब किसी नूबड़ों के साथ 1v4 करें तो भाई अभी भाई इसने 1v4 कर दिया इसके बाद, ओ भाई वो सारे नूबड़े, मैं खुद मैं मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके साथ मैं 1v4 करता हूँ, बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जो मतलब जिनको खेलना भी आता है, ऐसा नहीं खेलना भी नहीं आता, मोबाइल में उसके बाद आईफोन वाले सारे प्लेयर हैं, फिर भी मैं उनके साथ 1v4 करता हूँ, 1v4 करता हूँ, लेकिन मैं वीडियो नहीं डालता क्योंकि मुझे पता है यार वो मेरे दोस्त हैं, और साथ ही साथ भाई वो जो है उनकी इतनी गेम अच्छी नहीं है। ठीक है, इतनी गेम उनकी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी वीडियो नहीं डालता, लेकिन जो आगे वाले क्रिएटर होते हैं वो रैंडम लोगों के साथ खेलते हैं, और रैंडम में बहुत सारे नूबड़े आते हैं, और कोई कोई तो भाई स्क्रिप्ट भी खेलता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्क्रिप्ट नहीं खेलते, कोई कोई तो स्क्रिप्ट भी खेलता है और जो ना वीडियो डालते हैं, और फिर आप जो ना उनको अबू बना के बैठे होते हैं कि यार इसने 1v4 कर दिया, और जो अच्छा कंटेंट डालता है उसको तुम लोग सपोर्ट नहीं करते। भाई सीधी बात आज मैं कहने हूँ भाई, भाई देखो जिसको मैं सीधी बात कहने हूँ, देखो मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ क्योंकि बड़ा क्रिएटर मेरे साथ खेल नहीं रहा, पहली बात। दूसरी बात, जिसको मेरा कंटेंट पसंद नहीं है ना वो मेरा कंटेंट ना देखे, वो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, ऐसे कमेंट नहीं किया करो, क्या भाई इसे कमेंट करने से ना एक तो हम भाई डेली जो ना भाई
पूरे दो दो तीन तीन घंटे जो ना हम मतलब कंटेंट का सोचते हैं पहले भाई कौन सा कंटेंट बनाए, उसके बाद भाई थंबनेल पे मेहनत करते हैं, वीडियो पे मेहनत करते हैं, एडिट करते हैं और अपलोड करते हैं कि भाई इस पे जो ना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। और सबसे पहला कमेंट आता है कि भाई तू तो नुबड़े के साथ खेल रहा है, तू तो भाई बॉटों के साथ खेल रहा है। भाई कसम से भाई दिल ही नहीं करता उसके बाद वीडियो बनाने का, कसम से दिल नहीं करता भाई। आपको मेरा वीडियो नहीं देखना मत देखो, मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दो, लेकिन ऐसे कमेंट्स ना करो आज के बाद। बाकी यार जो मेरा हेटर है ना भाई, मैं कह रहा हूँ भाई मेरे 10,000 सब्सक्राइबर कम होते हैं, 20,000 कम होते हैं, 1,00,000 कम होते हैं, हो जाए कम, मुझे नहीं चाहिए सब्सक्राइबर ऐसे जो भाई डीमोटिवेट करें मुझे। बस यार आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी यार वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।